वेलकम टू डिजाइन प्लस। डिजाइन प्लस में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, हम एक इंफोग्राफी डिजाइन करने वाले हैं। तो पहले हम लगा लेते हैं एक सर्कल और एक राइट एंगल। राइट एंगल का कॉर्नर्स करेंगे हम राउंड, फिर इसकी हाइट और विड्थ रखेंगे 24 और इसकी हाइट और विड्थ रखेंगे 80 और 20। ये दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करेंगे। इसके बाद एक और सर्कल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर प्लेस करेंगे और अलाइन करके इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। फिर सबको सिलेक्ट करके राइट साइड ड्रैग करेंगे। सारे ऑब्जेक्ट की एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। बाद में वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से इस वाले लाइन डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद स्मार्ट फिल से फिल करेंगे। इस वाले ऑब्जेक्ट को करेंगे डिलीट और इसको इधर लाएंगे। फिर सबकी आउटलाइन करेंगे 0.5 mm की और इसको करेंगे बिट मैप, इसको भी बिट मैप करेंगे। इसी तरह हम सारे ऑब्जेक्ट को करेंगे बिट मैप। दोनों को सिलेक्ट करके ब्लर करेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे हम 10 pixels। इसको इसके अंदर और इसको इसके अंदर पावर क्लिक इनसाइड करेंगे, आउटलाइन नन करेंगे। फिर इस दोनों सर्कल को ब्लर करेंगे, इसकी वैल्यू 8 pixels रखेंगे। फिर इसको इसके अंदर और इसको इसके अंदर इनसाइड करेंगे पावर क्लिक। फिर इसको मजीद सेट कर लेते हैं और ओपासिटी 50 रखेंगे। इतना हो जाने के बाद इसको भी अंदर जाके सेटिंग करेंगे और इसकी भी ओपासिटी 50 करेंगे। सबको करेंगे हम ग्रुप, फिर लगाएंगे एक और सर्कल और इसको हाइट विड्थ रखेंगे 105। गाइडलाइन लगा लेते हैं, फिर इसको ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे और एक डुप्लीकेट करेंगे राइट क्लिक की मदद से और फिर करेंगे कंट्रोल आर। सबको करेंगे ग्रुप और इसके साथ अलाइन करेंगे। इसमें लगा लेते हैं हम काउंटर और करेंगे कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट। फिर एक सर्कल लगाएंगे, इसको मजीद छोटा करेंगे और
इसके साथ अलाइन करेंगे। बाद में लेफ्ट साइड ट्रैक करेंगे और इसकी हाइट आउटलाइन करेंगे 1.5 की और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। बाद में स्मार्ट फील अप्लाई कर लेते हैं। इसको अभी के लिए बाहर रखेंगे। सर्कल को करेंगे हम 0.5 और बिटमैप करेंगे, फिर ब्लर करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी 30 पिक्सल्स। इसकी और 3 कॉपी निकालेंगे, प्लस बटन दबा के 3 कॉपी निकाल लेते हैं। फिर इसको इसके अंदर पावर क्लिक करेंगे और मजीद सेट करेंगे। सभी को पावर क्लिक कर लेते हैं। इसको इसके अंदर प्लेस करेंगे, फिर सेटिंग करेंगे, फिर इसको इसके अंदर प्लेस करके सेटिंग करेंगे। इतना हो जाने के बाद इसको करेंगे डिलीट। और ये कलर अप्लाई करेंगे, इसमें ये करेंगे और इसमें ये करेंगे और इसमें ये लाइट ग्रीन अप्लाई करेंगे और इस वाले पोर्शन में डार्क येलो करेंगे और इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, इस लाइन को डिलीट करेंगे और कंट्रोल बी करेंगे। फिर इसमें ये कलर अप्लाई कर लेते हैं, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये कलर अप्लाई करेंगे। फिर इसमें इसी तरह सब में अप्लाई कर लेंगे। ना हो जाने के बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे और इसको करेंगे बोल्ड। फिर इसको इसके अंदर अप्लाई कर लेते हैं। फिर मजीद सेटिंग करेंगे सभी टेक्स्ट की। इसमें ये कलर अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे डिलीट। एक राइट एंगल लगाएंगे, इसकी हाइट रखेंगे हम 22। इसके बाद सभी कॉर्नर्स को हम करेंगे राउंड। इसको अनग्रुप करेंगे, फिर इसको इसके साथ अलाइन कर लेते हैं और राइट साइड ट्रैक करेंगे। फिर शेप टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कंट्रोल के साथ। दोनों को पकड़ के बाहर ले जाएंगे। इसके बाद इसमें स्मार्ट फील से फील करेंगे और इसको इसके साथ अलाइन करेंगे और इसको इसके साथ। फिर इसको करेंगे डिलीट। इसकी वैल्यू करेंगे हम 1 mm की और करेंगे बिट मैप। फिर करेंगे ब्लर, गॉशियन ब्लर 8-10 पिक्सल्स। इसकी 3 कॉपी निकालेंगे और पावर क्लिक इसके अंदर इनसाइड कर लेते हैं। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे शेप टूल्स की मदद से और एक गाइडलाइन लगाएंगे इधर और नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फिल करेंगे स्मार्ट फिल से। दोनों को करेंगे ग्रुप और कलर करेंगे
डार्क ग्रे येलो और इसको डिलीट करेंगे। इसमें लगाएंगे काउंटर, काउंटर को करेंगे ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के की मदद से। फिर इसमें डार्क येलो करेंगे और इसमें लाइट करेंगे येलो। इसकी दो को डुप्लीकेट निकालेंगे और इसके साथ अलाइन करेंगे और इसको इसके साथ अलाइन कर लेते हैं। फिर इस वाले को रखेंगे गाइडलाइन के बराबर और इसी तरह इसको भी गाइडलाइन के बराबर करेंगे। इसको भी मजीद गाइडलाइन के बराबर ही रखेंगे। गाइडलाइन करेंगे डिलीट। टेक्स्ट को इसके अंदर प्लेस करेंगे और पेजअप करेंगे। राइट साइड अलाइन करेंगे और इसमें डार्क अप्लाई करेंगे और इसकी कॉपी निकालेंगे। इसके साथ रेड कलर करके इसके साथ अलाइन करेंगे। फिर इसकी एक कॉपी निकालेंगे और ग्रीन कलर करेंगे। फिर इसके साथ अलाइन करेंगे। ये वाला कलर इसमें अप्लाई करेंगे और ये वाला इसमें अप्लाई करेंगे। फिर ये लाइट इसमें अप्लाई करेंगे और ये वाला कलर इसमें और इसमें अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह इसमें भी अप्लाई करेंगे कलर और इसमें करेंगे लाइट ग्रीन। इसकी तीन कॉपी निकालेंगे। इसमें लाइट कलर और इसमें डार्क मैजेंटा और लाइट मैजेंटा, इसको पेजअप करेंगे और इसको इसके साथ सेंटर अलाइन करेंगे। फिर इसको इसके साथ सेंटर अलाइन करेंगे और इसको इस वाले क्वेश्चन के साथ सेंटर अलाइन कर लेते हैं। तो गाइज आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।